डाल पाऊँ। और उसी की स्टार्टिंग में आज ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है वो समझ लेते हैं। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कि पहले वैट होता था, अब जीएसटी है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके अंदर होता क्या है, जो सप्लायर है, जो भी रजिस्टर्ड हमारे पास सप्लायर है, वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पास ऑन कर देता है। दैट इज व्हेन एक इंटरमीडियरी का काम करता है सप्लायर। अब तो ये सिचुएशन है जहां पे जो सप्लायर है वो इंटरमीडियरी का काम करता है बिटवीन कस्टमर एंड गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब कस्टमर से टैक्स लेके सरकार तक पहुंचाने का काम जब जहां पर सप्लायर करता है उस मैकेनिज्म को तो हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। अब सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे कन्वीनियंट नहीं होता गवर्नमेंट के लिए कि वो टैक्स कलेक्ट करे, तो क्या करती है, वो डायरेक्टली कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करती है, सप्लायर को हम बीच में से हटा ही देते हैं। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा शॉपकीपर है, या फिर जो भी हम अगर कंपनीज में देखें तो जो भी हमारे सर्विसेज की सप्लाई करने वाला है वो क्यों गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे सकता डायरेक्टली, ऐसी क्या सिचुएशंस आती हैं? ऐसी दो सिचुएशंस हमारे पास आती हैं। एक तो जहाँ पे जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है पर कस्टमर रजिस्टर्ड है। अब कस्टमर अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड है, ना कि जो मार्केट में वो नॉर्मल परचेज कर रहा है उसके लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है, बट किसी भी रीजन से वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है। और जो हमारा सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स कैसे लेगी? कोई ना कोई उसके प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के पास अगर उससे वो टैक्स कलेक्ट करिए, तो इसलिए वो सप्लायर की जगह कस्टमर से टैक्स ले लेती है। कैसे लेती है वो भी हम आगे देखने वाले हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। यहाँ पर हमें सिर्फ समझना है होता क्या है रिवर्स चार्ज। तो जहां पर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, एक तो वो सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन जहां पर की जो सप्लायर है वो बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर्स को कंसोलिडेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे अगर हम कहें, वो इशू करते हैं। अब एक सप्लायर है वो बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं, एट द एंड आके वो खुद के पास एक बड़ा जो है वो गुड़िया सर्विस होता है, तो उस केस में भी हम डायरेक्टली जो दैट इज गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करती है, सप्लायर को बीच में से हटा देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। तो जो ये मैकेनिज्म है इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पे सप्लायर का रोल बीच में से हट जाता है और जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मीना ने गुड्स परचेज किए PQR शॉप से, 30,000 रुपीज के उसके गुड्स थे, उसके गुड्स जो है वो जीएसटी में 18% पर टैक्सेबल है। अब हमें बताना है कि जीएसटी कौन लायबल है पे करने के लिए। पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का अगर हमारे पास केस है, मतलब कि हमारा सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का केस है, और दूसरा अगर रिवर्स चार्ज का है, तो कौन लायबल है और कितना जीएसटी वो पे करेगा। तो सबसे पहले तो जीएसटी निकाल लेते हैं, कितना हमें करना है। 30,000 का 18% जीएसटी जाएगा, 5,400 रुपीज का जीएसटी जाना है, ये तो इजी है। अब कौन देगा और कैसे जाएगा वो देखना है हमें, कि फॉरवर्ड चार्ज में कैसे होता है और रिवर्स चार्ज में कैसे होता है। तो दो कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले जो मीना है वो 35,400 रुपीज सीधा PQR को देगी। अब क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज का केस है और PQR जो है वो हम रजिस्टर्ड है अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉरवर्ड चार्ज क्वेश्चन में गिवन है, तो हम पूरी अमाउंट, हमारी वैल्यू जो हमारे गुड्स की है प्लस जो जीएसटी हमारा लगा, वो पूरी अमाउंट हम PQR दैट इज सप्लायर को दे देंगे। अब जो ये सप्लायर है इसमें से जो टैक्स का पोर्शन है, दैट इज अभी हमने निकाला था टैक्स का पोर्शन, ये 5,400 ये वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, और मीना को गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करना, क्योंकि उसका जितना टैक्स बनता है वो तो उसने PQR को दे दिया और वो गवर्नमेंट को चला गया टैक्स। अब रिवर्स चार्ज में देखते हैं कि मीना ने PQR को, अगर हमारा जो PQR है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ रहा है, दैट इज अनरजिस्टर्ड सप्लायर है या फिर बहुत छोटे छोटे कस्टमर्स को बेच रहा है, किसी भी रीजन से अगर रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज के लिए क्या क्या रीजन है वो भी हम देख लेंगे, बट अगर किसी भी रीजन से वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है, तो उसने सिर्फ जो वैल्यू ऑफ गुड या सर्विसेज है वो PQR को दी। PQR गवर्नमेंट को कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो दे नहीं सकता ही नहीं, वो ऐसी सिचुएशन में है जहां गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं ले सकती, तभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस आया।
तो उसने तो निल पे किया गवर्नमेंट को। अब जो 5,400 का टैक्स है, पर गवर्नमेंट को तो लेना है ना। अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी जस्ट बिकॉज जो है सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू सोर्स कम हो रहा है। 5,400 रुपीज़ का उसे लॉस हो गया ना, अगर हम केस ए और बी को कंपेयर करें। गवर्नमेंट को तो लॉस हो गया, और दूसरा ऐसे तो लोग इस चीज़ का मिसयूज करने लग जाएंगे कि भाई हम अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करते, हमें तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसमें रिवर्स चार्ज केस के अंदर, क्योंकि अब कस्टमर को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसे देने, तो मीना डायरेक्टली 5,400 रुपीज गवर्नमेंट को एज GST पे करेगी। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस रिवर्स चार्ज के बीच में डिफरेंस आ जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, तो एक बार डिफरेंस यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं। पर्सन कौन लाइबल है GST पे करने के लिए? सिंपल है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पे करता है, और रिवर्स चार्ज में क्योंकि सप्लायर पे नहीं कर सकता है इसीलिए वो रिवर्स चार्ज कहला रहा है, तो रिसिपिएंट लाइबल होता है GST पे करने के लिए। अब थ्रेशहोल्ड लिमिट जो होती है हमारे पास फॉरवर्ड चार्ज में वो एप्लीकेबल होती है, जो थ्रेशहोल्ड लिमिट आपने देखी थी रजिस्ट्रेशन वाली मेरी वीडियो में, अगर नहीं देखी थी तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगी नीचे। तो जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है कि मिनिमम इतने से अगर आपके नीचे के टर्नओवर है तो आप जरूर कंपलसरी नहीं है आपके रजिस्ट्रेशन कराना, वो फॉरवर्ड चार्ज में एप्लीकेबल है। अगर मेरी टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम है तो मेरे को फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं रिवर्स चार्ज के केस में फॉल कर रही हूँ तो ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। जहाँ भी रिवर्स चार्ज का केस आएगा मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी ही है, वहाँ थ्रेशहोल्ड लिमिट से भले ही मेरी टर्नओवर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो GST में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना है। तो कई बार ना ये चीज क्वेश्चन पेपर में होती है कि हम लोग क्या करते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट निकाल के कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं कि क्या ये लायबल है रजिस्टर कराने के लिए या नहीं, बट क्वेश्चन अगर सीधा सीधा रिवर्स चार्ज का बन रहा है तो हमें थ्रेशहोल्ड लिमिट चेक ही नहीं करनी, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाले केस में तो जो रेसिपिएंट है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो रजिस्टर कराए या ना कराए, उसे कराना ही पड़ेगा। फिर इनवॉइस या डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं फॉरवर्ड चार्ज में? हमारे पास टैक्स इनवॉइस हो सकता है, रिसिप्ट वाउचर हो सकता है, रिफंड वाउचर हो सकता है जो कि हमारा सप्लायर इशू करता है, और वही रिवर्स चार्ज में हमारे पास टैक्स इनवॉइस होता है इफ नॉट फ्रॉम रिसीवर देन फ्रॉम सप्लायर। अगर रिसीवर नहीं दे रहा टैक्स इनवॉइस तो सप्लायर इशू कर लेगा, या फिर पेमेंट वाउचर होगा, क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है तो जो रिसिपिएंट है वो अगर पेमेंट करके गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो उसे अपने एंड से पेमेंट वाउचर सप्लायर को सबमिट करना होता है कि हाँ भाई टैक्स मैं पे कर दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अश्योरेंस चाहिए कि उसको उसका टैक्स उसका रेवेन्यू मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहती है फॉरवर्ड चार्ज में? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों अवेलेबल है, बट रिवर्स चार्ज के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ही अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की यूज हम नहीं कर सकते अपने टैक्स को पे करने के लिए, रिवर्स चार्ज में सिर्फ कैश लेजर हमारे पास है। अब इसके बाद कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इनवर्ड सप्लाई वर्सेज आउटवर्ड सप्लाई में भी डिफरेंस कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसका डिफरेंस भी एक बार गो थ्रू करते हैं। टैक्स लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई में सप्लायर की होती है और इनवर्ड में रिसिपियंट की होती है। आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई का मतलब आप सब जानते हैं, मैं इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब रिलेटेड ITC सप्लायर जो है आउटवर्ड सप्लाई में वो एंटाइटल नहीं होता ITC के लिए, इनवर्ड सप्लाई में रेसिपियंट जो है वो अवेल कर सकता है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। एग्रीगेट टर्नओवर जो है आउटवर्ड सप्लाई में, सच सप्लायर शैल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर। जब हम थ्रेशहोल्ड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं तो आउटवर्ड सप्लायर उसमें इंक्लूड करते हैं, बट जो इनवर्ड सप्लाई है वो इंक्लूड नहीं की जाती है। और जो फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन स्कीम जिसको हम कॉम्पोजिशन स्कीम या कॉम्पोजिशन लेवे भी कहते हैं, वो आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई में कैसी है? आउटवर्ड सप्लाई में इफ द सप्लायर इज कॉम्पोजिट सप्लायर देन ही शैल नॉट बी लायबल टू पे GST ऑन सच आउटवर्ड सप्लाई। अगर हमारा सप्लायर जो है उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो उसे आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स देने की GST देने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं इनवर्ड सप्लाई में अगर जो रेसिपियंट है वो कॉम्पोजिट रेसिपियंट है तो वो लायबल है GST पे करने के लिए इनवर्ड सप्लाई पे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
अब प्रोविजंस क्या है जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज के, उसको देखते हैं। दो प्रोविजंस है हमारे पास सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर, दैट इज रिवर्स चार्ज अंडर नोटिफिकेशन, और दूसरा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर, दैट इज डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज अंडर एक्ट। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट states that government can specify categories of supply of goods or services or both the tax on which is payable on reverse charge basis। अब मतलब कि जो कुछ हमने दो conditions देखी थी कि या तो supplier unregistered हो या फिर जो हमारा जो छोटे छोटे customers को एक हम issue कर रहे हो अपने goods या services, वो situations है तो हम reverse charge में मानते हैं। But section 9 subsection 3 हमारा कहता है कि अगर जो गुड्स और सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं वो अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली कि उस पर रिवर्स चार्ज लगे तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, तो भले ही दोनों हमारी जो सिचुएशन थी वो फुलफिल ना हो रही हो, बट अगर वो नोटिफाइड है गवर्नमेंट के तरफ से कि वो रिवर्स चार्ज में आएंगी तो वो आएंगी। तो इस कंडीशन में हमारी क्या क्या चीज आती है, एक तो नोटिफाइड गुड्स जहाँ पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में पेबल हो, और दूसरा नोटिफाइड सर्विसेज। फिर बात करते हैं डिफॉल्ट चार्ज की। तो द जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जो कि हमने पहले देखा था कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, दैट इज डिफॉल्ट केस जो भी हम पढ़ते आ रहे थे, इसीलिए सेक्शन का नाम भी डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज है कि बेसिकली तो इस पे होता है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन में है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर आएगा। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि अगर हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई है किसी एक सप्लायर से या सबसे मिला के इन टोटल 5,000 रुपए के दिन से ज्यादा की नहीं है तो हम इसमें नहीं आएंगे। फिर जो टीडीएस डिडक्टर की कैपेसिटी के अंदर हमारा आ रहा है, पर ये चीज नोट करने वाली है कि जो टीडीएस डिडक्टर है वो किसी और कैपेसिटी के अंदर रजिस्टर्ड ना हो, वो इसी के अंदर रजिस्टर्ड हो, दैट इज रिवर्स चार्ज के डिफॉल्ट वाले केस के अंदर ही रजिस्टर्ड हो। और दूसरा जो सप्लाईज है हमने किसी सेकेंड हैंड डीलर से रिसीव करी है जिसने मार्जिन स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो। अब जो ये रिवर्स चार्ज अंडर नोटिफिकेशन है इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज जो मैंने यहाँ मेंशन करे, अब हमें इन्हें डिटेल में देखना है तो इनकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, गुड्स और सर्विसेज। तो पहले ही हम गुड्स पे चलते हैं। गुड्स के अंदर हमारे पास जो गुड्स होंगे उनकी लिस्ट दी हुई है हमें प्रॉपर। पहला कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील, अगर किसी एग्रीकल्चर ने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिए हैं तो वो रिवर्स चार्ज में हो गए। सेकेंड बीरी रैपर लीव्स किसी एग्रीकल्चर ने हम अगेन रजिस्टर्ड पर्सन को दी है। फिर टोबैको लीव्स, इसमें भी सेम है एग्रीकल्चर टू रजिस्टर्ड पर्सन। सिल्क यार्न, अगर किसी एग्रीकल्चर ने किसी भी मैन्युफैक्चरर जो सिल्क को मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न से, रॉ सिल्क से या किसी भी और सिल्क के कोकून से सिल्क यार्न में उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो भी वो रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा। फिर रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट ने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सेल करी है तो। लॉटरी जो है दैट इज सप्लाई ऑफ लॉटरी, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई होगी हमेशा। अब गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर कोई भी लोकल गवर्नमेंट ने अगर सप्लाई करी है, पर सप्लाई सिर्फ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेलिंग एजेंट को ही हुआ हो तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर नोटिफाइड गुड्स में आएगा। फिर कोई यूज व्हीकल, कोई कॉन्सिफिकेटेड गुड्स, कोई ओल्ड या फिर यूज गुड्स, कोई वेस्ट, कोई स्क्रैप, कुछ भी अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है तो वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आएगा। सेवेंथ है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अगर सर्टिफिकेट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी भी और रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो भी वो नोटिफाइड गुड्स में आएगा, और जिसको रिसीव हुआ है वो पे करेगा टैक्स। आप यहाँ पे एक चीज नोट करें कि जो इसमें सप्लायर है सेवेंथ केस में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में वो रजिस्टर्ड है, और हमारे डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस था कि अगर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो तो हम रिवर्स चार्ज लगाते हैं, बट क्योंकि ये अलग से नोटिफाइड गुड्स में है तो भले ही हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड है हमें ध्यान रखना है कि जो जीएसटी है वो हमारा रेसिपिएंट ही पे करेगा, सप्लायर नहीं करेगा।
अब इसके बाद जो हमारे गुड्स नोटिफाइड हैं उनकी डेट ऑफ इफेक्टिव किस दिन से ये गुड्स हमारे नोटिफिकेशन में आए हैं वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि क्वेश्चन किस डेट का होता है उससे हमें ध्यान में रखना होता है। तो इन सब की मैंने डेट्स यहाँ मेंशन कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं हम सर्विसेज की। सर्विसेज हमारे पास बहुत सारी हैं नोटिफिकेशन के अंदर और मैं एक एक आपको समझाऊंगी नहीं, इनमें ज्यादा समझने वाला कुछ है नहीं बट आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी और कुछ नहीं है ज्यादा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि कौन सी सर्विसेज आपको देखनी है। आप वीडियो को पॉज करके फिर सर्विसेज पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं इतना ज्यादा टाइम अगर जब मैं समझा नहीं रही तो खाली स्क्रीन पे पॉज करूंगी तो बच्चों को दिक्कत आएगी। मैं नेक्स्ट करती जाती हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके इनको पढ़ लीजिए। तो ये इतनी सर्विसेज हमारे पास नोटिफाई की गई हैं जिन सब पे हमारे पास रिवर्स चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा। सो अब नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ एडिशनल सर्विसेज पे जो कि IGST के अंदर नोटिफाई की गई हैं रिवर्स चार्ज के अंदर। नोट कीजिएगा क्योंकि ये IGST में नोटिफाई की गई है इसीलिए ये CGST नोटिफिकेशन पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जिस भी केस में CGST या SGST लगना है वहां पर ये वाली सर्विसेज नहीं आएंगी, वो फॉरवर्ड में जाएंगी। बट अगर वहां पर IGST लगना है तो वो हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएंगी। वैसे जो दो यहाँ पे नोटिफाई कराई गई हैं वो दोनों ही हमारी सर्विसेज में IGST ही लगता है, तो CGST का सवाल नहीं उठता। बट कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में यूज कर देते हैं इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं। तो एक तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज और दूसरा इनवर्ड ओशन ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ही जो हैं वो हमारी IGST के अंदर आते हैं तो इन दोनों के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। इसमें हम देखते हैं सप्लायर कौन होता है। सप्लायर कोई भी पर्सन जो कि हमारी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। मतलब सप्लायर बाहर है तभी तो हमारा इम्पोर्ट हुआ है ना। अब हम इम्पोर्ट की बात करें तो सप्लायर तो बाहर होना ही चाहिए। रेसिपिएंट हमारा कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल टेरिटरी में हमारे पास हो, दैट इज वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो, पर वो जो पर्सन है वो किसी भी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के अलावा होना चाहिए। अब जो रेट ऑफ टैक्स है क्योंकि CGST और SGST पे एप्लीकेबल नहीं है तो IGST पे इसका 18% लगता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में जो भी रेसिपिएंट हमारा पे करता है गवर्नमेंट को। इनवर्ड ओशन के अंदर यहाँ पर सप्लायर कौन होता है, अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। मतलब कि कोई भी पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी वेसल के थ्रू कोई प्लेस जो कि इंडिया से बाहर है और वहां से वो हमारे को गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करके भेज रहा है अप टू कहाँ तक, जब तक कि वो इंडिया के कस्टम स्टेशन पर क्लियर ना हो जाए, क्लियरेंस उसे ना मिल जाए, तो वो पर्सन। फिर रिसिपिएंट जो है वो लोकेटेड होना चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी में और इसमें भी CGST SGST नहीं लगता। IGST का यूजुअल रेट इस पे 5% का हमारे पास है। अब TDS देख लेते हैं। इनकम टैक्स के अंदर जो TDS लगता है हमारा वो GST कंपोनेंट पे कैसे एक्ट करता है। TDS इनकम टैक्स का कंपोनेंट है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, और GST इज इनडायरेक्ट टैक्स। बट TDS लगता है कई चीजों पर, उसे कैसे एप्लीकेबल करना है वो देखते हैं। TDS की डेफिनेशन सबको पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS के अंदर होता क्या है एक बार मैं वो समझा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इनकम टैक्स, उनके लिए एक बार एक ब्रीफ में मैं समझा देती हूँ। TDS में होता क्या, एक पर्सन है जो कि लायबल है पेमेंट करने को दूसरे पर्सन को, पर वो उस पर टैक्स डिडक्ट कर लेता है उसको पेमेंट करने से पहले, और जो वो टैक्स वो डिडक्ट करता है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है। मतलब कि अगर मेरे को आपको कोई पेमेंट करनी है जिस पर टैक्स बनता है और मैं उसका टैक्स डिडक्ट कर लेती हूँ, जनरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में सबसे ज्यादा होता है, बैंक्स के केस में तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और मुझे आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करना है क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल सैलरी है, एम्प्लॉयर को पता होता है कि ईयरली सैलरी कितनी होती है, तो मैं हर मंथ या हर क्वार्टर की आपकी सैलरी में से TDS डिडक्ट करके
अपने पास रखती हूँ और आपको जो रिमेनिंग सैलरी है वो दे देती हूँ, और जो टीडीएस मैंने अपने पास रखा है वो मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देती हूँ, तो मैं डिडक्टर और आप डक्टी। तो वो जो सिस्टम है जैसे मैंने एडवांस में टैक्स ले लिया, टैक्स वैसे आपको एंड में देना है बट मैंने एडवांस में आपको पेमेंट करने से पहले ही आपको टैक्स काट के दिया है, तो उसे हम टीडीएस स्कीम कहते हैं। अब जीएसटी जो है वो सर्विस, सॉरी जीएसटी के अंदर ऑलरेडी ये चीज इंडिकेटेड है कि जो जीएसटी कंपोनेंट है, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी एक टैक्स है और टैक्स पर टैक्स हम लगाएंगे तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ टैक्स हो जाएगा जो हम नहीं चाहते, तो इसीलिए जो जीएसटी कंपोनेंट पे होता है टैक्स उस पर टीडीएस नहीं कटता। उसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग आपकी वैल्यू है गुड्स की या सर्विसेज की उस पर पूरे पे टीडीएस हम काटते हैं। एग्जाम्पल मैं भी समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। और जो ये न्यू रेजिमी आई है हमारी जीएसटी की, इसने पूरी कोशिश करी है कि जो टीडीएस है वो टैक्स कंपोनेंट पे ना रहे, वो वैलिड तरीके से लगे, डबल काउंटिंग हमारे पास ना हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैंने पास जो टैक्सेबल सप्लाई है वो 5 लाख की है, टीडीएस का रेट 10% है और सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। मुझे कैलकुलेट क्या करना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी मुझे कितना देना है, टीडीएस कितना होगा और नेट अमाउंट जो मेरे को क्लाइंट पे करेगा वो कितनी होगी। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले तो मेरी टैक्सेबल सप्लाई 5 लाख की, सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है टीडीएस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू पे हम 9% का जीएसटी लगाएंगे, 5 लाख का 9% 45 एंड सेम एसजीएसटी 45,000, यहाँ पे दोबारा सीजीएसटी लिखा गया, ये एसजीएसटी है 45,000, देन इट्स 5,90,000। अब हमें काटना है टीडीएस। टीडीएस हमारा जो कटता है वो हमारा जीएसटी कंपोनेंट में नहीं कटता, तो जो ये हमारा जीएसटी कंपोनेंट है इस पे हमारा टीडीएस नहीं कटेगा, राइट? हमारा टीडीएस कटेगा सीधा जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है सप्लाई की सिर्फ उस पे, तो हम टीडीएस लगाएंगे 10% ऑफ 5 लाख, दैट इज 4,500। तो हमारा नेट अमाउंट पेबल आ गई 5,35,000 जो हम क्लाइंट को पे करेंगे, दिस इज 5,35,000। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे हमें नोट करने हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड। एक तो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का स्कोप है उसे एक्सपैंड किया गया है ताकि जो नोटिफाइड गुड्स हैं वो भी वो इंक्लूड करें जहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड है, जो कि हमने देखा सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 में। तो कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जिन पे सप्लायर के रजिस्टर्ड होते हुए भी रिवर्स चार्ज लगता है। पार्शियल रिवर्स चार्ज अलाउड नहीं है कि एक पर्टिकुलर सप्लायर पे आधा जीएसटी सप्लायर पे कर रहा है आधा रेसिपिएंट, ऐसा अलाउड नहीं है। टोटली रिवर्स होगा या टोटली फॉरवर्ड चार्ज होगा, दोनों का मिक्स पार्शियल नहीं अलाउड है। सप्लाइज ऑन विच रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल वुड बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ सप्लायर एंड नॉट ऑन रेसिपिएंट। अब जो सप्लाई है टैक्स हमारा रेसिपिएंट ने पे किया रिवर्स चार्ज के अंदर, बट उसका सेल्स में उसके टर्नओवर में तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना, भले ही वो टैक्स पे कर रहा है बट सेल तो सप्लायर की है। तो जो टर्नओवर की कैलकुलेशन होगी थ्रेशोल्ड लिमिट की, उसके लिए जो हमारी सेल हुई है वो सप्लायर में ही ऐड होगी, रेसिपिएंट में नहीं होगी। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी कंपल्सरी। ये हमने पहले भी देखा था कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को पे करना है टैक्स, उसके लिए जीएसटी में रजिस्टर कराना कंपल्सरी है, थ्रेशोल्ड लिमिट उसके लिए अवेलेबल नहीं है। जो कंपोजिशन स्कीम है या फिर कंपोजिशन लेवे है वो भी रिवर्स चार्ज केस में एप्लीकेबल नहीं होता, उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करे, उसे नॉर्मल वाली स्कीम में ही रहना पड़ता है। फिर जो डिटेल्स है इनवर्ट सप्लाई की वो उसे फर्निश करनी पड़ती है, कि उसके पास तो इनवर्ट सप्लाई आई है, रेसिपिएंट के पास तो सप्लाई अंदर आई है ना, इसलिए वो इनवर्ट सप्लाई कहलाती है। रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना होता है जिस टाइम वो गुड या सर्विसेज रिसीव करे, और इसके अलावा उसे एक पेमेंट वाउचर इशू करना होता है जिस टाइम वो सप्लायर को पे करे, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट्स में भी देखा था रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज के डिफरेंस में, कि एक पेमेंट वाउचर होता है तो रेसिपिएंट इशू करता है सप्लायर को एज अ प्रूफ कि वो उसने पेमेंट कर दी है और वो जो रिमेनिंग जीएसटी का पार्ट है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं जरूर
जरूर आपके कमेंट्स को जवाब दूंगी।